म्यूट कर दें प्लीज, लेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करें, आप लोगों को समझने का फ्लो बिगड़ता है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं मेरे फ्लो में पढ़ा दूंगा, आप लोगों के समझने का फ्लो बिगड़ेगा। आपने इम्प्लॉयज के, इम्प्लॉयज क्या होते हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनको हिंदी में कर्मचारी बोलते हैं, कर्मचारियों से आपने सर्विसेज ली और बदले में उनको सैलरी पेमेंट करी, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ, एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और डायरेक्टली इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं बच्चों, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी और मनी वर्थ, एक्सचेंज होता है कुछ चीजों का जिनको आप पैसे में नाप सकते हैं या मनी पैसे देते हैं या पैसे में नाप सकते हैं बिटवीन टू पार्टीज, उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मनी या मनी वर्थ का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, पेन लिया आपने बदले में पैसे दिए, उसको कैश, उसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फिर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें कैश इमीडिएटली पे किया जाता है या इमीडिएटली रिसीव किया जाता है, उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश, दूसरा होता है कैश क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में बच्चों कैश को इमीडिएटली पे या रिसीव करा जाता है, उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली बट एट अ लेटर डेट, बट एट अ लेटर डेट, बाद की तारीख में आप क्या करते हैं, कैश को रिसीव करते हैं या कैश का पेमेंट करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो बच्चों अपन ने आज क्या देखा, ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी और मनी वर्थ, ये दो तरह का होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फिर दो तरीके का होता है, एक होता है कैश, कैश में इमीडिएटली कैश का पेमेंट किया जाता है या रिसीव किया जाता है, और दूसरा होता है क्रेडिट, उसमें कैश का पेमेंट इमीडिएटली नहीं होता है, वो लेटर डेट के ऊपर, लेटर मतलब बाद की डेट के ऊपर होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बच्चों जिसमें, जैसे कि नॉन मतलब इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी या मनी वर्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी या मनी वर्थ नहीं करा जाता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, चौथी पांचवी क्लास में, प्रिमिटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है, वहां पे बार्टर ट्रांजेक्शन होते थे, वहां पे क्या होते थे, बार्टर ट्रांजेक्शन होते थे। तो आज अपन ने देखो ट्रांजेक्शन का मतलब समझा, वापस बता रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन फॉर मनी और मनी वर्थ, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी और दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन फिर दो तरीके का होता है, कैश और क्रेडिट। कैश में इमीडिएटली पैसा दिया जाता है या पैसा रिसीव किया जाता है, क्रेडिट में कैश का पेमेंट इमीडिएट नहीं होता है, वो पोस्टपोन कर दिया जाता है लेटर डेट के ऊपर, मतलब बाद की तारीख के ऊपर, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब अपन को क्लियर हो गया है। अब अपन समझते हैं एंट्री क्या होती है, अब अपन समझते हैं एंट्री क्या होती है, नेक्स्ट टर्म इज एंट्री, ठीक है। ये नॉन मॉनेटरी की नहीं है, ये खत्म हो गया, अभी अपन इंपॉर्टेंट टर्म समझ रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और याद करना है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको नींद में उठाकर भी पूछी जाए तो आपको ये याद होनी चाहिए, आप इन्हें समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार ये शब्द इस्तेमाल होंगे आपके 11वीं क्लास के लेटर चैप्टर में, बाद में आने वाले जो चैप्टर हैं, ये शब्द बार बार, ये टर्म्स टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होगी, बार बार यूज होगी, वहां पे मैं आपको उनके मतलब समझाने नहीं बैठूंगा, सिंपल ये टर्म्स को मेंशन करके मैं आगे काम की बात करने लग जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपना माइक बंद रखें, इसने प्लीज अपना माइक बंद रखें, यस वेरी गुड। हाँ बोलिए, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए आप लिखिए, कोई डाउट है तो, नहीं तो क्लास को चलने दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, 120 जने हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
अच्छा, अब अपन को क्या समझना है, अपन ने ट्रांजेक्शन समझा। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, कैश और क्रेडिट। अब अपन नेक्स्ट टर्म समझ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है एंट्री। एंट्री क्या होती है बच्चों? निरुपमा में जो जो समझ में जिनको नहीं आती है ना, उनको आप यहाँ से हटा दीजिए प्लीज। क्लास का लेक्चर को डिस्टर्ब मत करें बच्चों, देखो प्लीज। अपने पास टाइम बच्चों बहुत लिमिटेड है, और वैसे ही सेशन बहुत लेट चालू हुआ है। जो सेशन जुलाई में चालू होता था वो सितंबर एंड में चालू हुआ है, तो बच्चों 2 महीने का पहले ही नुकसान हो चुका है, प्लीज कोऑपरेट करें। अच्छा, अब अपन समझते हैं एंट्री क्या होती है। एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एंट्री। अरे मेरा प्रॉपर फॉर्म नहीं बोला रहे, ये मानी भी बात है, अपन कुछ भी करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ही करेंगे ना। तो एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको अपनी बुक्स में लिखेंगे तो ये क्या हो गई, एंट्री हो गई। वैसे ही बिजनेस में बच्चों ट्रांजेक्शन होंगे, बिजनेस में क्या होंगे, ये ट्रांजेक्शन होंगे। इन ट्रांजेक्शन को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे ना, तो उसको बोलते हैं एंट्री। समझ में आ गया? एंट्री करो कि नेगेटिव यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस प्लीज। या एंट्री क्या होती है? एंट्री इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को अपन क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। अच्छा, अब नरेशन क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको समझाया, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी बुक में नोट करते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। अब नरेशन क्या होता है? नरेशन क्या होता है बच्चों, जो आपने एंट्री करी है ना, आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है ना, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिख देते हो। जैसे मैंने आपको पैसे दिए, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे कि सर ने पैसे दिए। वो कैसे करते हैं वो अपन आगे आने वाले चैप्टर में समझेंगे। आपने उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, कैसे करते हैं वो आगे चैप्टर्स में समझेंगे। तो आप क्या करते हो, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हो कि ये पैसे किसने दिए। तो थोड़ा सा आप लिख लेते हो ये पैसे सर ने दिए। अच्छा, और रिकॉर्ड कैसे करना है वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, और नरेशन भी आपने लिख लिया। वो नरेशन क्या, नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन कि ये एंट्री हमने किस लिए करी है। अब अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड और विच एन एंट्री इज मेड, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिजनेस ट्रांजेक्शन का। आप सादी लैंग्वेज में अपनी बोल, अपनी लैंग्वेज में, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सर, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, एक सेंटेंस लिख देते हो, एक छोटा सा, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। एंट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। और नरेशन क्या होता है, एंट्री के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है। समझे बच्चों? यस, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है आपका गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब देखो, देखो बच्चों, जो आसान भाषा में आपकी बुक्स में लिखा गया है ना, वो मैं आपको बुक में से बता रहा हूँ। और जो आसान भाषा में नहीं है, उसके लिए मैंने एक अलग से नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको मेरे नोट्स में बता देता हूँ। ए ग्रीक, व्हाट इज दिस? क्या जो आपने आपकी बुक में आसान भाषा में नहीं है, वो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स बनाए हैं। मैं आपको नोट्स को स्क्रीन पे बताऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश। अच्छा, अब गुड्स क्या होता है? नेक्स्ट टाइम अपना क्या था, गुड्स। तो मैं आपको गुड्स वो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बता रखा है इसने, मतलब तो वही है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं बच्चों? द कॉमोडिटी और आर्टिकल, कोई भी चीज। कॉमोडिटी का मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या चीज, कोई भी वस्तु या चीज जिसमें कि द कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन, कोई भी वस्तु या वो आर्टिकल जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। इन विच द बिजनेस डील्स इन, बिजनेस या बिजनेसमैन डील्स इन द कॉमोडिटी और आर्टिकल।
अब जैसे जैसे कांदा बटाटे वाला है, तो कांदा बटाटे वाला क्या करता है, बटाटा बेचता है या कांदा बेचता है, तो उसके लिए क्या, कांदा क्या हो गए, गुड्स हो गए, बटाटा क्या हो गए, गुड्स हो गए। फर्नीचर वाला है, अच्छा स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है, अच्छा ओके, कोई आपके बच्चे ने महान काम करा, उसने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दी तो मेरी स्क्रीन थोड़ी अलग हो गई, अब दिख रहा है ना बच्चों, यस ये आप लोग प्लीज लेक्चर में बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं करें बच्चों, देखो ठीक है, और प्रॉब्लम हो तो आप लिखे, मैं उसको सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है ठीक है। तो अब अपन बात कर रहे थे गोट्स की, नेक्स्ट हम अपने गोट्स, गोट्स का मतलब क्या होता है, ये आकाश बंगाल कौन है, अच्छा गोट्स द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन और ट्रेड आर नोन एज क्लोथ्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फर्नीचर वाला है, फर्नीचर वाला चेयर बेचता है, अलमारी बेचता है, तो ये चेयर और अलमारी क्या हो गए, गुड्स हो गए। अब इलेक्ट्रिक दुकान वाला है, वो पंखा बेचता है, ट्यूबलाइट बेचता है, तो ये पंखे और ट्यूबलाइट क्या हो गए, गुड्स हो गए। कंप्यूटर वाला है, वो लैपटॉप बेचता है, पेन ड्राइव बेचता है, हार्ड डिस्क बेचता है और कीबोर्ड बेचता है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, उसके लिए गुड्स हो गई। तो गुड्स का मतलब अपन ने समझा, द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेस डील बिजनेसमैन डील्स इन और ट्रेड इन इज नोन एज गुड्स। तो गुड्स का मतलब हो गया, वो मेडिसिन केमिस्ट है, तो केमिस्ट के लिए क्या हो गया, मेडिसिन गुड्स हो गए। वेजिटेबल वेंडर है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, मैंने 5-6 एग्जांपल आपको दे दिए। ये गुड्स आपसे पूछा जाएगा बच्चों, एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस व्हाट इज, राइट इन वन सेंटेंस व्हाट इज गुड, द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन और ट्रेड इन इज नोन एज गुड्स आर नोन एज गुड्स द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन। ये मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में बता दिया, तो ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी देके समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट अप देखो, अपन ने क्या क्या पढ़ा है, नरेशन पढ़ा है, वो क्या सॉरी ट्रांजेक्शन पढ़ा है। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, फिर मॉनेटरी दो तरह का होता है, कैश और क्रेडिट। उसके बाद एंट्री पढ़ी है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एंट्री। नरेशन क्या है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास इज नोन एज नरेशन। और गुड्स क्या है, कमोडिटी और आर्टिकल in which the businessman deal in is known as good, are known as goods, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। अब मैं हिंदी में समझा देता हूं, ओनर, ओनर मतलब मालिक, मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है, जो पैसा जो अमाउंट बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। देखिए बिना पैसे के तो व्यापार होता नहीं है, तो बिजनेसमैन ने जो पैसा जो असेट्स, अभी असेट वर्ड यूज करना आपको समझ में नहीं आएगा, बिजनेसमैन ने मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। बाकी ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, ये अपन बाद में समझेंगे। कैपिटल का मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल, सिंपल सी बात। फिर अब नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग, नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं फिर ये जो टेक्निकल बात लिखी गई है वो समझेंगे। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, देखिए आपके घर के पास कोई दुकानदार है, फर्नीचर का दुकानदार है या किराने वाला है, तो किराने वाला व्यापार करेगा, उसको अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी दुकान में से, अपने बैंक में से, हम बता रहा हूं ना, हे नेहा मैं बता रहा हूं, प्लीज आप टाइप मत करिए चैट बॉक्स में, देखिए फिर देखो फ्लो बिगाड़ते हैं आप लोग, प्लीज पहले बात सुनिए फिर प्रॉब्लम हो तो, चैट बॉक्स तो है ही है अपने पास, पहले आप बात तो मेरी, मेरे को कंप्लीट तो होने दीजिए बच्चों। अच्छा ड्रॉइंग क्या होती है, देखिए वो किराने वाला है तो किराने वाले को अपना घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए क्या करता है, वो अपने बिजनेस में से पैसा लेगा, उसको अपने बच्चों की फीस भरनी है, तो वो क्या करेगा, 4-5 हजार रुपया या जो भी अमाउंट उसको चाहिए वो बिजनेस में से बैंक में से लेगा, बैंक में से लेके लाके घर पे देगा, तो जो उसने कैश निकाला है ना बिजनेस ने, इसको बोलते हैं विड्रॉल, जो उसने कैश बिजनेस में से निकाला है ना उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब वो कैश लेके नहीं जाता है, उसकी वाइफ ने बोला 5 किलो चावल लेके आना, शक्कर लेके आना दुकान से, तो वो क्या करेगा, शक्कर लेके जाएगा या चावल लेके जाएगा, तो
तो अब इसको अंग्रेजी में समझ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ कैश, उसने 5000 रुपए विड्रॉ करा ना, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स। अब वो 5 किलो शक्कर लेके गया, 40 रुपए किलो की शक्कर है तो 200 रुपए की शक्कर लेके गया, द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। समझ में आ गया? अरे बिजनेसमैन कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा या सामान बिजनेस में से निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो अब दोनों टर्म्स को समझते हैं, कैपिटल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, और ड्रॉइंग क्या है? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग। असेट का मतलब अभी मैंने टच नहीं किया, असेट मैंने समझाया नहीं है ना, तो मैंने अभी असेट को टच नहीं करा है, आगे समझेंगे। तो आपने कैपिटल भी समझ ली, आपने ड्रॉइंग भी समझ ली। अब नेक्स्ट टर्म आ रहा है मेरे बच्चों, डेटर और क्रेडिटर। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं केवल कैपिटल बोलूंगा, मैं केवल ड्रॉइंग बोलूंगा, मैं आपको इनका मतलब समझाने नहीं लगूंगा, ठीक है? तो कोई डाउट हो तो तू कौन है बे, अरे इस तरह की भाषाएं मत लिखो बेटा चैट बॉक्स में, अपन बड़े अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं। ये आपकी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, आपका चैट बॉक्स और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं क्या? यार जो लेक्चर पढ़ा रहे आप इसको भेज सकते हैं जो है भाई, लेक्चर ग्रुप में भेजने की, आप अभी सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना, वो कॉलेज वाले। हेलो, आप एक तो माइक बंद करो, माइक। हाँ देखिए बच्चों, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजे जाएंगे नहीं भेजे जाएंगे वो कॉलेज ऑथोरिटी डिसाइड करेगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये है तो सही कि लेक्चर अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेजे जाएंगे, ऐसी व्यवस्था थी तो सरी, लेकिन मैं इसके लिए पक्का नहीं बोल सकता कि वो आपको भेजे जाएंगे। ये चीजें आपको कॉलेज अथॉरिटीज ही बता सकेंगी, मैं केवल आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। प्लीज अननेसेसरी, आप अभी समझिए ना, जब अपन फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते थे तो क्या एक ही चीज बार बार क्लास होती थी क्या? आप ये समझिए कि अभी आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं तो वो आपके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी होगी मेरे बच्चों। तो ठीक है, अभी आप कंसंट्रेट करिए, बहुत अच्छा कमेंट आया है, अभी आप लेक्चर पे कंसंट्रेट करिए। ये फालतू की चीजें हैं कि भेजे जाएंगे, आप अभी समझिए ना, ठीक है? और वो अगर आपको भेजते हैं कॉलेज अथॉरिटीज तो वो आपके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? DEBTOR, डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए आप किराने वाले की दुकान पे गए, आपने 10 किलो चावल आपने जो बनाया है उसका PDF ग्रुप में, अरे बेटा आप अभी स्क्रीनशॉट लेना, जो मेरे नोट्स हैं वो आप उसका अभी स्क्रीनशॉट लो और वो नोट्स में बाद में, अभी आप समझिए, अभी आप भेजने करने की बात मत करिए बेटा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते क्यों नहीं है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, आपके पास सब, आप जो मैं समझा रहा हूं आप उसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं ना, मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है? हाँ हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डेटर की। प्लीज बीच में अननेसेसरी नॉनसेंस मत डालो। डेटर की बात कर रहे थे, आप किराने वाले की दुकान पे गए, आपने 10 किलो चावल खरीदे, आपने जेब में हाथ डाला, अरे पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया। किराने वाले से आप रोज सामान लेते हैं, वो आपको जानता है यार, पास की मल्टी में तो रहता है, तो वो कहता है ठीक है मैं, आप चावल तो ले जाओ और पैसे बाद में दे देना, ठीक है? ये मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया है। अब आप अंग्रेजी में समझ लेते हैं डेटर का मतलब क्या होता है। A person who has to pay to the business for getting goods and services on credit. Credit का मतलब क्या होता है? उधार। अरे वो व्यक्ति, anyone who has to pay money to the business for purchasing the goods on credit. अरे कोई भी व्यक्ति जिसने उधार पे माल लिया हो और उसको पेमेंट करना है बिजनेस को, उसको क्या बोलते हैं? डेटर। सपोज मेरी दुकान है, मैंने आपको क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट मतलब होता है उधार,
क्रेडिट मतलब उधार, मैंने आपको क्रेडिट पे गुड्स दिया, मैंने आपको क्रेडिट पे गुड्स दिया तो आप मेरे क्या हो गए, डेटर हो गए, आप मेरे क्या हो गए, एनी पर्सन, मतलब राम को, आपका नाम राम है तो राम हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, आपको मेरे बिजनेस को पैसा देना है, किस लिए देना है, क्योंकि आपने मेरे से उधार पे सामान लिया, उधार पे गुड्स लिया, any person who has to pay to the business for getting goods or services on credit is known as debtor. तो मेरे आप क्या हो गए, debtor. देखिए unnecessary आप EMI को लेके confuse मत करें. अभी आप पहला, अभी आप केवल सुनने पे ध्यान रखिए, आप unnecessary और दूसरी चीजें ला ला करके, भूत को ला ला करके डराइए, ठीक है? वो जब लेक्चर लास्ट 5 मिनट होंगे ना, कोई पर्टिनेंट चीज हो तो बात करिए, जितनी मैं बात कर रहा हूँ उस बात के ऊपर, उसमें कोई डाउट हो तो चेक बॉक्स में लिखिए. वो कनेक्टेड, अरे कनेक्टेड तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर सारे कनेक्शन देखने लग जाएंगे तो अपन की पढ़ाई नहीं होगी बच्चों. लास्ट के 5 मिनट में आपको सारे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग अभी 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चे अगर कनेक्शन कनेक्ट करने लग गए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो थोड़ा सा सबर करिए, ठीक है? अच्छा, डेटर का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर. अच्छा, ये तो डेटर का मतलब हो गया. क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन टू होम, अब यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन टू होम द बिजनेस हैज टू पे. अब देखो, कोई भी व्यापार आजकल होता है तो व्यापार कैश के ऊपर नहीं होता है, वो क्या होता है, क्रेडिट के बेसिस, उधार के बेसिस पे होता है. तो जैसे मेरे किराने की दुकान है या मेरे स्टेशनरी शॉप है, तो मैं रेनॉल्ड्स के या मैं कोई और ब्रांड के पेन खरीदता हूँ, तो मैं मेरे जो मेरा सप्लायर है ना रेनॉल्ड वाला, उसको, उससे मैं उधार पे लेता हूँ, उसको मैं कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में पैसा दूंगा, तो जो मैं बाद में पैसा दूंगा वो क्रेडिट हो गया. तो वो पर्सन जिसको की बिजनेस को पैसा पे करना है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर. अ पर्सन टू होम द बिजनेस हैज टू पे मनी फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर. डेटर क्या है, जिससे अपन को बिजनेस को पैसा लेना, अपने को मतलब बिजनेस को. डेटर वो है जिससे बिजनेस को पैसा लेना है, क्रेडिटर वो है जिसको पैसा देना है. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द बिजनेस, डेटर एंड क्रेडिटर. डेटर का मतलब जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसा देना है, ठीक है? उधार पे अपन ने गुड्स और सर्विसेज लिए ना, तो वो आपका क्रेडिटर होगा. अब नेक्स्ट टर्म है अपना बैड डेट. बैड डेट क्या है, देखिए बैड डेट के लिए फिर ये डेटर वर्ड आया. क्या आया, डेटर वर्ड आया. अरे मैंने उधार पे माल दे दिया, मैंने क्या करा, उधार पे माल बेच दिया. अब मेरे को क्या है, उसकी यादें आती है, वो नहीं आता मेरे को. क्या, जिसको मैंने उधार पे माल दिया ना बच्चों, मेरे को उसकी केवल यादें ही आती है, वो पैसे देने नहीं आता है. मैं बहुत प्रयास करके उसको ढूंढता हूँ, और उसको ढूंढता हूँ तो वो कहता है मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं आपका पैसा नहीं दे सकता. तो उसको अंग्रेजी में समझ लो, इररिकवरेबल अमाउंट. अरे वो डेटर, अगर डेटर से आप पैसा वसूल नहीं कर सकते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट. द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट. द इररिकवरेबल मतलब आप उससे वसूल नहीं कर सकते, डेटर से जो पैसा वसूल नहीं करा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट. द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट. ये बिजनेस के लिए लॉस होता है. तो अपन ने 3 शब्द और समझे हैं, डेटर, क्रेडिटर और बैड डेट, ठीक है? एक बार वापस से, पहले अपन ने समझा था ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन दो तरह के, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी. मॉनेटरी दो तरह का, कैश और क्रेडिट. उसके बाद अपन ने एंट्री समझी, नरेशन समझा, गुड समझा और कैपिटल. कैपिटल समझी, कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर, ड्रॉइंग the value, the amount of cash or value of goods withdrawn for personal use by the owner is known as drawing. उसके बाद अपन ने debtor समझा, debtor जिससे अपन को पैसा लेना है, अपन ने उसको उधार में माल दिया था तो वो अपना debtor है. creditor,
जिसको अपने को पैसा देना है, डेटर जिससे लेना है, क्रेडिटर जिसको देना है, बैड डेट मतलब वो पैसा अपन वसूल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं बैड डेट। अच्छा ये पीडीएफ बच्चों, ये पीडीएफ तो मैं भेज चुका हूँ, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में ही भेज दिया था मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं वापस से आप लोगों को आपके क्लास के ग्रुप में ये वाला जो पीडीएफ है ना, ये वापस से आपके क्लास के ग्रुप में भेज दूंगा। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा होगा, हो सकता है उनको मिले नहीं है, आज मैं वापस से ये पीडीएफ आपके क्लास के ग्रुप में भेज दूंगा। टाइप मत करो, देखो हर चीज में टाइप करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज में टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुका हूँ, फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर दोबारा भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ेंगे और टर्म्स देखते हैं अपन। तो पहले अपने को टर्म देखना है। अच्छा अब आप ये पेज नंबर, जिनके पास पीडीएफ है, पेज नंबर 10 पे आ जाइए, पेज नंबर 10 के ऊपर आ जाइए। देखिए कुछ टर्म्स मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, कुछ टर्म्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। कारण क्या है कि ये टर्म्स पढ़ना पहले जरूरी है। अच्छा अब अपन पढ़ते हैं असेट, क्या पढ़ते हैं ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन हो रहा है, ये आपकी फाउंडेशन है, इसके बिना आप कॉमर्स में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से मन लगा करके सुनिए, ठीक है। अभी भी आपके 12 में आपका 12 एक मिनट बचे हैं, उसका टाइम का मैक्सिमम यूज करिए। तो अपना नेक्स्ट टर्म है असेट। असेट क्या है, देखिए अब यहाँ पे ये इस पीडीएफ में बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा रखा है, तो मैंने अपने नोट्स में लिखा है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ओन एंड पसेस बाय अ पर्सन और बाय अ बिजनेस, यहाँ पे पर्सन के साथ साथ बिजनेस भी लगा दो, बाय अ पर्सन और बिजनेस, बाय अ पर्सन और बिजनेस इज नोन एज असेट। अच्छा अब क्या है बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है, वापिस पढ़िए। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप Owned and possessed by a person of business is known as asset. अरे इसका मतलब क्या है? आप स्कूटर के मालिक हैं तो स्कूटर आपका क्या हो गया? असेट हो गया। आप मारुति के मालिक हैं तो वो मारुति क्या हो गई? आपकी असेट हो गई। आप पंखे के मालिक हैं तो पंखा आपका असेट हो गया। आप फ्लैट के मालिक हैं तो फ्लैट आपका असेट हो गया। आप बिल्डिंग के मालिक हैं तो बिल्डिंग आपकी असेट हो गई। आप लैंड के मालिक हैं तो लैंड आपका असेट हो गया। आप लैपटॉप के मालिक है तो आप लैपटॉप आपका असेट हो गया। आपका मोबाइल के मालिक है तो मोबाइल आपका असेट हो गया। तो समझ गए असेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ एनी टाइप ओन्ड एंड पसेस्ड बाय द बिजनेस और एनी पर्सन इज नोन एज असेट। अरे बिजनेस उसका मालिक है, बिजनेस का मालिक कौन है? जो उसका ओनर है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ओन्ड और पसेस्ड बाय अ पर्सन इज नोन एज असेट। एग्जाम्पल मैंने दे दिए लैंड बिल्डिंग, ये सब असेट होते हैं। अब एनी फिजिकल थिंग और ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना बच्चों, तो मैंने आपको आसान भाषा में प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ओन्ड और पसेस्ड बाय अ पर्सन इज नोन एज असेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ओन्ड और पसेस्ड बाय अ पर्सन इज नोन एज ओन्ड, मतलब वो उसका मालिक है। ओन्ड का मतलब वो उसका मालिक है, ठीक है, और उसके पोजीशन में है, वो उसका मालिक है, वो उसके पोजीशन में है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी टाइप ओन्ड और पसेस्ड बाय अ पर्सन इज नोन एज असेट। एग्जाम्पल लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर हो गया। अच्छा अब असेट कितने टाइप्स के होते हैं? अब ये असेट कितने टाइप के होते हैं बच्चों? अरे अपने ट्रांजेक्शन का भी पढ़ा था ना, ट्रांजेक्शन इतने टाइप के होते हैं। अरे असेट कितने टाइप के होते हैं अपन देखते हैं। पहला है देखो फिक्स या नॉन करेंट, फिक्स या नॉन करेंट। अब नॉन करेंट का अपोजिट क्या होगा? करेंट। ठीक है, असेट आपकी बुक में दे रखे हैं, तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, पहला है फिक्स्ड। फिक्स असेट क्या का मतलब क्या होता है? देखिए फिक्स्ड या इसका दूसरा नाम है नॉन करेंट, एक ही फिक्स्ड या नॉन करेंट। अच्छा फिक्स असेट वो होता है जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म, द असेट विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो असेट जिसका बेनिफिट हम उनको लंबे समय के लिए मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फिक्स असेट। अब ये बच्चों लंबा समय क्या है? लॉन्ग टर्म। अरे 2 महीने भी लॉन्ग हो सकते हैं, 6 महीने भी लॉन्ग हो सकते हैं, 10 साल भी लॉन्ग हो सकते हैं। तो अकाउंट्स में
अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन वन ईयर, मोर देन वन ईयर. द असेट विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस इज नोन एज फिक्स्ड असेट. अरे आपके बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का बेनिफिट आपको 30-40 साल के लिए मिलता है ना. आपका स्कूटर है उसका बेनिफिट आपको 8-10 साल के लिए मिलता है. आपका कंप्यूटर है उसका बेनिफिट आपको 4-5 साल के लिए मिलता है. आपके लैपटॉप का बेनिफिट आपको 4-5 साल के लिए मिलता है. तो ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए आपके फिक्स असेट. वो असेट जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग का क्या मतलब है, मोर देन वन ईयर. लॉन्ग का मतलब यहाँ पे मोर देन वन ईयर, लॉन्ग का मतलब मोर देन वन ईयर. वो असेट जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है उसको अपन फिक्स असेट कहते हैं. फिक्स असेट का दूसरा नाम है नॉन करेंट. नॉन करेंट का अपोजिट क्या होता है, करेंट असेट. करेंट असेट, अब करेंट असेट का मतलब अपन देखते हैं. करेंट असेट्स आर द असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. अरे फिक्स असेट या नॉन करेंट असेट लॉन्ग टाइम के लिए था तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए. शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, लेस देन वन ईयर, वन ईयर और लेस देन वन ईयर. ग्रेटर देन वन ईयर वो लॉन्ग टर्म हो गया, वन ईयर और लेस देन वन ईयर आपका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म. अच्छा अब अपन इसको और डिटेल में समझते हैं. करंट असेट्स आर असेट्स ये बिजनेस में हेल्ड किए जाते हैं, ये असेट बिजनेस में हेल्ड किए जाते हैं इनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए. इनको किस में कन्वर्ट करने के लिए, कैश में. अब एग्जांपल से समझ में आएगा मेरा, फिर वही किराने की दुकान का एग्जांपल लेते हैं. मेरा किराने का बिजनेस है, मैं चावल भी रखता हूँ, शक्कर भी रखता हूँ, गेहूँ भी रखता हूँ, बिस्किट्स भी रखता हूँ. अरे तो ये क्या है, मैं चावल किसके लिए रखता हूँ कि मैं इनको बेच करके इनको पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा. मैं इनको बेचूंगा और बदले में मेरे को पैसा मिलेगा. तो मैं जो मेरा स्टॉक है ना, जो मेरा चावल दाल गेहूं है, इनको मैं कैश में कन्वर्ट कर लूंगा शॉर्ट पीरियड में, मतलब एक साल के अंदर अंदर मैं इनको कैश में कन्वर्ट कर लूंगा. ऐसे असेट्स को बोला जाता है करंट असेट. करंट असेट्स अब अंग्रेजी में बात कर लेते हैं, आपको मैंने समझा दिया. These are the assets which are held by the business for the purpose of converting them into cash within a short period, that is one year. एक साल के अंदर अंदर आप इन assets को cash में convert कर लेते हैं, इसको बोलते हैं current asset. तो आपने assets का मतलब देखा, asset का मतलब क्या होता है, property of any kind owned or possessed by the person is known as asset. Asset के तीन तरह के होते हैं. पहला होता है fixed asset. Fixed assets तो मतलब अपन ने देखा, दीज आर असेट्स विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, करंट असेट. दीज असेट्स आर हेल्ड फॉर बीइंग कन्वर्टिंग इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. अरे इनको अपन शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट करते हैं. शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है, विद इन वन ईयर, विद इन एक साल या उससे कम. वो एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है. एक साल के अंदर अंदर अपन उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब एक है फिक्टिशियस असेट. फिक्टिशियस असेट का देखो, असेट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस. अब ये क्या होता है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बुक में ये रखा है तो मेरे को समझाना है. केवल आप अभी इतना समझिए, ये इमेजिनरी असेट्स होते हैं. ये क्या होते हैं, केवल ख्याली ख्याल में होते हैं और जनरली इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है. लेकिन कुछ टेक्निकल कारण के से अपन को इनको असेट मानना, कुछ टेक्निकल कारण से अपन को इनको असेट मानना पड़ता. मैं समझाता हूँ. अरे क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं ना, आप सबका स्कोर कार्ड जब लिखते हैं सबके नाम के आगे लिखते हैं, लेकिन जिसने 0 रन भी बनाया होता है उसका नाम भी लिखते हैं ना, तो उसने कोई रन तो बनाया नहीं है. अगर आप नाम भी नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन आपको सबका स्कोर कार्ड बताना है ना, तो आपको उसका नाम लिखना पड़ता है. तो ये क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट. क्या होते हैं, फिक्टिशियस असेट, दे आर इमेजिनरी असेट.
ये इमेजिनरी असेट्स होते हैं और जनरली इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। बच्चों 4 मिनट बचे हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग लिखिए, नहीं तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस करा है चैट बॉक्स में टाइप करिए। अपन ने क्या क्या डिस्कस करा है चैट बॉक्स में टाइप करिए। सबसे पहले अपन ने किनाई गलत बात साधना ऑर्डर में बोलिए, ऑर्डर में बोलिए। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस करा है, सबसे पहले अपन ने ट्रांजेक्शन डिस्कस करा है, सबसे पहले अपन ने ट्रांजेक्शन डिस्कस करा है। ट्रांजेक्शन दो तरह के होते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कितने तरह के होते हैं टाइप करो बच्चों चैट बॉक्स में, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कितने तरह के होते हैं। हाँ बोलो, दो दो होते हैं, नाम तो लिखो बच्चों मेरे। कैश, वेरी गुड राहुल, कैश। और दूसरा, अरे एक तो कैश है दूसरा क्रेडिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट, एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एंट्री। एंट्री क्या होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर फॉर्म इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। उसके बाद नरेशन पढ़ा, नरेशन क्या होता है, एंट्री के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको नरेशन बोलते हैं। अब रुको ना बच्चों, फिर क्या होता है गुड्स, अंजू टाइप करो गुड्स क्या होता है। अंजू आपने लिखा गुड्स, गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब लिखो, टाइप करो अंजू यादव। अरे आपने लिखा था ना बच्चों द कॉमोडिटीज, वेरी गुड, द कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन, वेरी गुड अंजू वेरी गुड। द कॉमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन इज नोन एज, आर नोन एज गुड। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस बाय द ओनर, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। उसके बाद ड्रॉइंग क्या होती है, ड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर इज नोन एज ड्रॉइंग। रटने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ में आ गया ना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। कैश या वैल्यू गुड्स आपने बिजनेस से विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं ड्रॉइंग। और डेटर क्या है, अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर गेटिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अरे डेटर जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। रिकॉर्डेड आर्यन, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका मैं नहीं बोल सकता, ये बात कॉलेज अथॉरिटीज ही बताएंगी। ये रिकॉर्डेड वीडियो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में आपको पढ़ाना है और आपके हाथ में समझना है। रिकॉर्डेड वीडियोस अगर कॉलेज देता है आपको तो अच्छी बात है। डेटर, डेटर जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। बैड डेट का मतलब, बैड डेट का मतलब वो डेटर जिससे अपन पैसा रिकवर। हाँ अदनान, आपको जब जानकारी है ना, इट विल बी अवेलेबल आफ्टर 10th October, ठीक है ना, आपने सबको जानकारी दे दी। सब जने अदनान को थैंक यू बोलो। हाँ मैम ने बोला है, मैम ने बोला है, मेरे को भी जानकारी है इस बात की, लेकिन आप पढ़ने में, आप रिकॉर्डेड वीडियो के भरोसे मत रहिए, ठीक है ना, आप रिकॉर्डेड वीडियो के भरोसे मत रहिए, आप अभी पढ़ाई में मन लगाइए। चलिए आप ये थैंक यू बंद करिए, और वैसे भी अपना टाइम हो गया है। बैड डेट का मतलब क्या होता है, अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, है ना, जो डेटर से आप पैसा वसूल नहीं कर सकते उसको बैड डेट बोलते हैं। और उसके बाद अपन ने डिस्कस करा था असेट। असेट क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज असेट। और असेट 3 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड, करंट और फिक्टिशियस। फिक्स का मतलब जिसका बेनिफिट अपने को लॉन्ग पीरियड के लिए मिलेगा, लॉन्ग पीरियड का मतलब मोर देन 1 ईयर। करंट असेट, दीज आर द असेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड का मतलब विद इन 1 ईयर। और फिक्टिशियस असेट, दे आर इमेजिनरी असेट्स, दे हैव नो वैल्यू, नो रियलाइजेबल वैल्यू। तो आज की डिस्कशन अपनी इतनी थी, अब मैं रुकता हूँ। आपको समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो आप अब ग्रुप छोड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूँ, कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूँ। और समझ में आया हो, होमवर्क क्या है, अरे होमवर्क जितने भी
जितने भी अपने टर्म्स डिस्कस हुए ना वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और उनको याद करना है। कल मैं अपना जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं किसी से भी नाम लेके पूछूंगा, मैं संकेत बताओ, राहिल बताओ, कशिश बताओ, मैं नाम लेके पूछूंगा आपसे, मेरे को नाम याद रहते हैं बच्चों के, मैं नाम लेके पूछूंगा कि आप इस टर्म का मतलब बताइए और ये टर्म्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बोलिए, अब यहाँ पे हाय बाय मत करिए, ये हाय बाय का ग्रुप नहीं है रणवीर, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं बैठा हूं, आप मेरे से पूछिए, नहीं तो आप ग्रुप को छोड़ दो। अरे ड्राइंग का मतलब होता है जो आपने विड्रॉ करा ना बिजनेस से, जो ओनर ने बिजनेस से कैश या गोल्स विड्रॉ करा वो अपने घर पे लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए, द अमाउंट ऑफ गोल्स विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज ड्राइंग। अरे व्यापारी है उसको घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। असेट का मतलब प्रॉपर्टी, अरे कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओन बाय द बिजनेस इज नोन एज असेट। और बोलिए संपत्ति, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तन्मय वेरी गुड। कैपिटल का मतलब, अरे द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अरे आप व्यापार चालू करते हैं तो व्यापार हवा पानी से होता है क्या? आपको पैसा लगाना पड़ता है, जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हाँ वेरी गुड तन्मय मुद्दल, सब सब लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वेरी गुड आई लाइक इट। यस कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ कैन वी लीव, यस यू लीव इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स। गोल्स द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन। अरे आप, अरे बताओ, अरे आपकी बटाटा की दुकान है तो जो बटाटा है ना वो आपके गुड्स हो गए, आपकी इलेक्ट्रिक की दुकान है तो पंखे वायर आपके गुड्स हो गए, द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द बिजनेसमैन डील्स इन, ठीक है? आपकी अगर स्कूटर की दुकान है तो स्कूटर आपके गुड्स हो गए। या और कोई डाउट हो तो छोड़ो ग्रो। अरे बच्चों कितनी बार कहा ये हाय बाय का ग्रुप नहीं है। हाँ प्लीज सर, यू हैव नॉट टेल फॉर रेलवे वी हैव टू टेक आईटी। अरे बच्चों आईटी तो हर जगह जरूरी होती है, आजकल जो अपन ये लेक्चर भी ले रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना नहीं है होता है राहिल, तो आपको कंप्यूटर से घबराना नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको आईटी लोगे तो ही, आप आईटी लेते हो तो आपको वो हेल्प करेगी, ठीक है राहिल? आई होप आई हैव आंसर्ड। आईटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता आजकल, वो मैं याद कर सकता हूँ। हाँ जो आपके नोट्स हैं दिखाए हैं वो आपको याद नहीं है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा अपनान, आपको नोट्स याद करने ही है बच्चे, वो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। चलिए कोई डाउट नहीं है तो प्लीज आप लीव करिए। मैडम इन बच्चों को हटाइए अब आप, अगर कुछ बच्चे घूमने चले गए लगता है। ओके सर, रिमूव कर देते हैं। हाँ रिमूव करिए। स्टूडेंट्स प्लीज लीव द ग्रुप बाय योरसेल्फ।
अंकित तिवारी अपना माइक बंद करो। अब मैं भी लीव करता हूँ मैडम। ओके थैंक यू।